नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। शराबबंदी, इसका ऐलान जब नीतीश कुमार ने किया तो कई लोगों के चेहरे पर खुशी की झलक दिखी, तो पीने वाले लोगों को निराशा हाथ लगी थी। उस समय भी पीने वाले लोगों के बीच उहापोह की स्थिति देखने को मिली थी और लोगों के बीच अशांत माहौल हो गया था, जिसकी वजह से कई लोग अस्पताल में भर्ती हो गए थे, तो भारी संख्या में मजदूरों ने पलायन का रास्ता चुना था। लेकिन नीतीश सरकार अपने फैसले से नहीं हिली और शराबबंदी कानून लागू रहा। लेकिन अब एक बार फिर से शराबबंदी कितनी विफल साबित हुई है, इसका अंदाजा आप अखबारों में छपी खबरों को पढ़कर और टीवी पर दिखाए जा रहे दृश्यों को देखकर समझ ही गए होंगे। बीते कुछ दिनों से भारी संख्या में लोगों की जान जाने के बाद बिहार सरकार की नींद खुली और पुलिस को काम पर लगाया गया। हालांकि अब तक तो बिहार में शराबियों को पकड़कर सिर्फ सलाखों के पीछे भेजा जा रहा था, लेकिन अब इन लोगों को पकड़ा तो जाएगा ही, साथ ही बेरोजगार भी बनाया जाएगा। जी हां, आपने सही सुना, राजधानी पटना में अधिकारियों ने होटल से लेकर अन्य प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ बैठक करके यह निर्णय लिया है, जिसके तहत पटना कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल और आईजी संजय सिंह ने शराबबंदी कानून का सख्ती से अनुपालन कराने के साथ मॉनिटरिंग के लिए सभी जिलों के डीएम, एसपी और अन्य उच्चाधिकारियों के साथ होटल, रेस्टोरेंट, लॉज संचालक के साथ बैठक की है और ये निर्णय लिया है कि अब बिहार में शराबियों को नौकरी नहीं मिलेगी। यह नियम सरकारी के साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों पर भी लागू होगा। सरकार की सख्ती के बाद आदेश जारी कर अफसरों को जवाबदेह बनाया जा रहा है, जिसके बाद से ही बिहार के सभी 38 जिलों में प्रशासन की सख्ती दिख रही है, जिसको लेकर ही अधिकारियों ने अब साफ कर दिया है कि शराब का हिस्ट्री वालों को नौकरी नहीं दी जाए। इसको लेकर कर्मचारियों से जल्द ही शपथ ग्रहण भी करवाया जाएगा, ताकि प्राइवेट सेक्टर में भी शराब को लेकर सख्ती बरती जा सके। इसके लिए भविष्य में और ज्यादा सख्ती की तैयारी चल रही है। बिहार के सभी जिलों में शराब को लेकर अलग अलग रणनीति तय की जा रही है, साथ ही निगरानी के काम को भी ध्यान में रखकर बढ़ाने की पहल की गई है। इसके लिए होटल, बैंक्वेट हॉल के मालिक को सीसीटीवी लगाना जरूरी है, उसका लोकेशन बैंक्वेट हॉल और परिसर में रखना होगा, ताकि शादी में शामिल व्यक्तियों की ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। वहीं इसको लेकर सीएम नीतीश ने भी साफ कहा था कि शराब की सूचना मिलेगी तो पुलिस कहीं भी छापेमारी कर सकती है। वहीं सीएम नीतीश ने शराबबंदी को लेकर किए गए समीक्षा बैठक में ही यह निर्णय ले लिया था कि शराब पकड़े जाने पर थानेदार जवाबदेह होंगे। यही कारण है कि थानेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ही अपने अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के होटल और बैंक्वेट हॉल की गतिविधियों पर एसडीओ और एसडीपीओ को विशेष नजर रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक संयुक्त रूप से गश्त करने के साथ ही मॉनिटरिंग का निर्देश भी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, बिहार सरकार की शराबबंदी का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो आप भी टोल फ्री नंबर 15545 या 1800-3456-268 पर कॉल करके इसकी सूचना दे सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।